हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बहुत सर पर। गाइज आ जाइए फटाफट, लाइव होने जा रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास। 30 से 40 सेकेंड्स मैं पर डे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे को शेयर करना है, सभी ग्रुप से मुझे डालना होता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। आई होप इसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे। यस, सभी लोग आ जाएँ फटाफट, लाइव आ जाएँ गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, फटाफट आ जाएँ, पढ़ें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ग्रामर और लिटरेचर दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन गाइज आपको यहाँ मिलेगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो आप बताएं, राइट? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ाना भी प्रॉपर तरीके से पूरी एनर्जी से मैं आप लोगों के साथ जारी रखूँ, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। पार्ट 16 है ये, इसके पहले 15 जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी ग्रुप प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जूनियर एडिट की अलग से बनाई है उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी के साथ भी जूनियर एडिट की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए। तो जूनियर एडेड इंग्लिश कि जितने ही बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग आ जाएं। इंग्लिश बाय उदय सर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको तुरंत ज्वाइन करिए गाइस। सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं इसी में डालता हूँ। फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है 8997527300, व्हाट्सएप नंबर है 9616947257। ठीक है, और जिन बच्चों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है जूनियर एडेड का, 9616947257 पर आप जुड़ सकते हैं। जूनियर एडेड एंट्री लिखकर भेज दीजिए, आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। जॉन कीट्स अगला जो लेक्चर आप लोग को मिलेगा पूरा बन के रेडी है, पीडीएफ तैयार हो गई है, वीडियो भी लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, बस आप लोग को मिलना है, अपलोडिंग प्रोसेस में है वो, राइट? आप लोग को अगला लेक्चर मिलेगा ग्रुप पेड ग्रुप में जॉन कीट्स का गाइस। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं रोमांटिक एज की, बड़ी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी और हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 3 से 4 साल का जो इनका लिटरेरी करियर रहा उसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा दिया, राइट? हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सरल शब्दों में, इजी वर्ड्स में पढ़ेंगे गाइस। तो 9616947257 पर आप पेड जूनियर जूनियर एडेड पेड एंट्री लिख कर भेज दीजिए, आई विल ऐड यू। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8997527300 पर। सभी लोग आ जाए। रोवेना तुरंत आप व्हाट्सएप करिए, यहाँ मत बताइए बेटा, यहाँ मत बताइए, यहाँ मैसेज नहीं पढ़ पाते, निकल जाता मैसेज, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। रोवीना अली बेटा मैसेज करो, आप यहाँ बार बार लिख रहे हो, आप लोगों को इतना सेंस नहीं है, मैं क्या बताऊँ। मेरी क्लासेज रहती हैं बीच बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग वही मैसेज रिपीट करते हो, एकदम बच्चे बन जाते हो आप लोग। देखिए, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, प्लीज। ठीक है, ओके ओके, चलिए। द्रोणा बैच प्रॉपर चल रहा है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। मैं टीचर हूँ आप लोग का, कभी कभी मैं डांट भी सकता हूँ आप लोग को, इतना तो अधिकार है ही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी दिल पे मत लिया करिए। 8299752730 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, 9616947257 पे आप द्रोणा बैच एंट्री लिख कर भेज दें। इसमें क्या है, 1 से 1.5 साल का बैच है, पूरा टीजीटी पीजीटी डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगले साल को टारगेट करके ये बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, फटाफट आ जाइए। यस यस गाइस, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो श्रीपाल, कैसे हैं? यस यस, सभी को जितने भी बच्चे आ गए सबको गुड इवनिंग, क्योंकि एक एक को मैं गुड इवनिंग बोलूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस आ गया है, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी जल्दी आंसर दें। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सभी को शेयर किया गया है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वरना बच्चे परेशान कर देंगे बिल्कुल। ओके, यस, लगभग बच्चों को शेयर किया जा चुका है। चलिए गाइस फटाफट आंसर दें। हाँ बेटा, 4:30 वाली नहीं हुई थी। ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजंस वर करेक्ट। उसने पीपल को एड्रेस किया था और प्रयास किया था, अपना बेस्ट प्रयास किया था टू कन्विंस देम, उनको मनाने का कि भैया उसके जो डिसीजंस हैं वो करेक्ट थे। जल्दी बताइए किस पार्ट में रह रहा है गाइस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें।
जल्दी ले आ जाइए फटाफट गाइस। ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजंस वर करेक्ट। यस, बहुत से बच्चे सी दे रहे हैं, अक्षित बहुत बता रहे हैं। ओके ओके, और बेटा जिसको ग्रामर की बड़ी गहरी समझ होगी वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। गहरी समझ का मतलब ये नहीं कि मतलब पीएचडी किया होगा, रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक खुशबू आ जाती है एरर की कि किस पार्ट में एरर होगी, राइट। यहाँ वो रूल नहीं है कि भाई इसमें एरर आगे बढ़ो, ये नहीं, यहाँ पूरा बताएंगे तो बिल्कुल रूट लेवल से बताएंगे, जड़ से बताएंगे, बुनियाद से चयन तक ले जाएंगे आपको। यस यस, वंदना त्रिपाठी बिल्कुल समझाने के लिए ही बैठे हैं। पूजा तिवारी ने क्विज जीत लिया, क्या बात है पूजा, बहुत बढ़िया। ही एड्रेस्ड पीपल, देखिए आप समझिए, हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट। देखिए उसने पीपल को एड्रेस किया था, तो ये बताइए क्या वो पूरे दुनिया के पीपल को कन्विंस कर रहा है, मना रहा है, कि जिन लोगों को उसने एड्रेस किया था उनको मनाने का प्रयास कर रहा है। उसने ट्राई किया है अपना बेस्ट किन लोगों के लिए, यानी वो कोई भी पीपल नहीं है, वो फिक्स्ड पीपल है। ही एड्रेस्ड द पीपल हो जाएगा, नाउन के पहले आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। ही एड्रेस्ड द पीपल मतलब उन पीपल की बात हो रही है जिसको उसने अपना बेस्ट एड्रेस किया, बेस्ट उनको मनाने का प्रयास किया कि उसके डिसीजंस वर करेक्ट, बिल्कुल सही है, डिसीजंस के लिए वर आया है, राइट गाइस। दुनिया भर के पीपल की बात नहीं हो रही है, आप ऐसे समझो ना, जैसे मैं आपसे कहूं कि कल मैंने यार आप लोग के लिए उन टीचर से बहुत बात की, उनको मैंने मनाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बातों को उन्होंने नहीं माना, तो बताइए दुनिया भर के टीचर्स की बात कर रहा हूं कि द टीचर्स, फिक्स टीचर थे कुछ, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, सेंटेंस पास्ट में है, बात पहले की जा चुकी है, पीपल बिल्कुल फिक्स्ड हैं, और इसी को कहते हैं डेफिनेट नाउन। क्या कहते हैं? डेफिनेट नाउन, यानी जो द आर्टिकल है ये आने वाले नाउन को क्या बनाता है? डेफिनेट बनाता है, निश्चित बनाता है। डेफिनेट इनडेफिनेट कुछ और नहीं होता। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए किताबों में लिखा है ए और एन का यूज हम करते हैं इनडेफिनेट के पहले और द करते हैं डेफिनेट के पहले, अंतर क्या होता है आप बताइए, आज मुझे बता दीजिए आप लोग, आप सभी लोग टीचर्स बनने जा रहे हैं, आज बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, फटाफट बताएं, फटाफट बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, फटाफट बताएं। यस बेटा, व्हाट्सएप पे पता कर लें, व्हाट्सएप करें प्लीज। नेहा बताइए, टॉपिक पे ध्यान दीजिए बेटा, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, लाइव इसलिए नहीं आते हैं, पढ़ा तो हम रिकॉर्ड करके भी सकते हैं, रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको बतानी है चीजें इसलिए लाइव आते हैं, बताइए। तो यहां केवल पढ़ाई करिए प्लीज, जल्दी बताएं दोनों में डिफरेंस क्या हो भैया, सब लोग लाइक तो कर लो, थोड़ी तो बच्चों अपनी पावर दिखाओ, थोड़ा मैं इतनी रात में बैठ के पढ़ा रहा हूं, इतनी तो हेल्प किया करो यार, लाइक तो कर लिया करो। यस यस, यस यस बिल्कुल, यस गौरव का आंसर आ रहा है। काउंटेबल अनकाउंटेबल सब छोड़ो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखिए ए और एन जिसे आप इनडेफिनिट कहते हो और दा जिस नाउन के आगे आप लगाते हो दा उसे डेफिनेट कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये बताइए, मेरे बगल में एक फोन रखा हुआ है, क्या आपको पता है वो कौन सा फोन है? नहीं पता है ना, फोन तो नाउन है, एक वस्तु है, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन सा फोन है। आपको कहोगे सर आपके बगल में कोई भी फोन होगा, यानी ये आ फोन है, क्या है? अभी ये आ फोन है, लेकिन अब आप भी जान गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फोन है, अब आप भी जान गए, हम भी जान गए, अब ये फिक्स्ड हो गया। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बेटा स्पीकर और एक होता है लिसनर। जब किसी नाउन को स्पीकर और लिसनर दोनों जान रहे हो तो वो नाउन फिक्स्ड होता है, उसके पहले हम लगाते हैं दा। लेकिन अगर किसी नाउन को केवल बोलने वाला स्पीकर जान रहा हो, लिसनर सुनने वाला ना जान रहा हो, तो होता है ए और एन। जैसे मैं आपसे कहूँ कल मैं अपने एक दोस्त से मिला, क्या आप उस दोस्त को जानते हो? आप लोग सुनने वाले हो, क्या आप उस लड़के को जानते हो जिससे मैं कल मिला हूं? नहीं जानते हो, तो आ बॉय आपके लिए होगा, मेरे लिए दा बॉय है, बट आपके लिए आ बॉय होगा, क्या होगा? आ बॉय। कल मैं उसको लाइव लाके बैठा दूं, आपको अच्छा सर यही लड़का है, यही आपका फ्रेंड है, तो वो हो जाएगा दा बॉय, दोनों जान के, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक ये आप फोन था, लेकिन मैंने कहा ये रेडमी का फोन है, मैंने कहा ये एप्पल का फोन है, अब आप भी जान गए ये क्या हो गया, दा फोन हो गया, बस यही चीज है, यही अंतर है, रटिए मत, समझिए बेटा, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द पीपल, ही एड्रेस द पीपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द साइकोपैथ द
गेट्स अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जल्दी जल्दी आंसर दें। द साइकोपैथ गेट्स आर डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। बताइए बेटा, जल्दी बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा इसमें। फटाफट आंसर दें गाइस, फटाफट आंसर दें, जल्दी जल्दी। द साइकोपैथ गेट्स अ डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। अभी तक बच्चों रिप्लाई नहीं आ रहा है, प्लीज फटाफट रिप्लाई दें आप लोग। हेलो गरिमा, रीजनेबल आ रहा है। देखिए पहले मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, पढ़ते समय एक ट्रिक याद रखिए। ये बताइए जो टॉर्चरिंग एनिमल है, एनिमल्स को अगर टॉर्चर किया जाएगा तो बताइए, एक नॉर्मल सेंटेंस समझिए ऐसे, सब छोड़िए, एनिमल को अगर टॉर्चर किया जाएगा तो बताइए हैप्पी फीलिंग होगी क्या, एग्रीएबल सहमत वाली फीलिंग होगी, कोई तार्किक फीलिंग होगी, ये सारे कट जाएंगे। आप इसलिए इन तीनों में आंसर दे रहे हो क्योंकि आपको पहले वाले का आंसर नहीं पता था, पहले वाले की मीनिंग गाइस नहीं पता थी। द साइकोपैथ का मतलब होता है जो मनोरोगी टाइप का होता है, राइट, जो तुरंत विकृत होता है, छोटी छोटी चीज देख के घबरा जाता है एकदम से। तो साइकोपैथ गेट्स अ परवर्स फीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परवर्स, परवर्स अ परवर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, एक मतलब एक विकृत टाइप का एंजॉयमेंट होता है फॉर टॉर्चरिंग एनिमल, एनिमल्स को टॉर्चरिंग करने से, टॉर्चर करने से, परेशान करने से। परवर्स का मतलब होता है विकृत हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, एकदम से हिला के रख देना, राइट। तो भाई साहब एग्रीएबल नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, रिजनेबल पॉजिटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि एनिमल्स को टॉर्चर करने की बात की जा रही है, ठीक है। यस 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 यस, तो ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। तो द साइकोपैथ गेट्स अ परवर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होगा, राइट, याद रखिए। देखिए हैप्पी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट तो कुछ होता ही नहीं, पहले तो आप ये समझ लो हैप्पी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट क्या होगा, एंजॉयमेंट तो एंजॉयमेंट है ही, वो हैप्पी थोड़े ना होगा, एंजॉयमेंट को हैप्पी क्या कहेंगे, राइट। तो हैप्पी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट गलत ही है, रीजनेबल का कोई मतलब नहीं है, एग्रीएबल भी गलत है, तो परवर्स ही सही है बेटा। जो एक मनोरोगी है उसे किस तरह का आनंद मिलता है, एक विकृत टाइप का, भ्रष्ट टाइप का, डरा देने वाला, राइट, ए विल बी द राइट आंसर। यस, अगला देखें। व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड डैश, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड डैश टू हिज फीलिंग्स विद एंड, जल्दी बताएं। देखिए आप लोग वोकैबुलरी केवल एंटोनियम सिनोनियम में ही नीतू मिश्रा, ठीक है बेटा, आपने ज्ञान दिया मुझे लाइव आके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा, बिल्कुल दिया जाएगा, चिंता ना करिए। ग्रामर में 37 वीडियोस है, टेंस, कंजंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन ये मैसेज भी कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। मतलब आप लोग कभी कभी ऐसे मैसेज करते हो कि लाइव पढ़ाने टीचर सर्वेंट हो गए आपके, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखिए बेटा, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, प्लीज बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाया, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ के, और आप बता रहे हो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्लीज यार गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई में मन लगाएं, बाकी क्या कहाँ पे देना, आई नो वेरी वेल। बेटा सभी की प्रॉब्लम है, सबको एक साथ कैसे रिप्लाई करें, चलिए अब आंसर दीजिए। व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड डैश टू हिज फीलिंग्स विद हैंड्स, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दें। देखिए कह क्या रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि जब जसपाल को गुस्सा आया, ही स्टार्टेड डैश हिज फीलिंग विद हैंड, वो अपनी, उसने क्या शुरू कर दिया, अपनी फीलिंग्स को हाथ से क्या शुरू कर दिया। तो जब किसी बॉडी के मूवमेंट से, जब आप इशारे करके जब कोई बात कहते हैं, राइट, तो कोई भी बात जब आप इशारे से कहते हैं, बॉडी के मूवमेंट से कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं, आंसर आ जाएगा जेस्टिकुलेट, क्या आ जाएगा, जेस्टिकुलेट। यस, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू जेस्टिकुलेट हिज फीलिंग विद हैंड, राइट, बिल्कुल सही है। तो उसने हाथों से बताना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को, राइट, याद रखिएगा। तो फिर मैं बता दे रहा हूं, जब बॉडी के पार्ट से, हाव भाव से जब आप कोई चीज बताते हैं, तो उसे जेस्टिकुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है
क्या होता है, इंटॉक्सिकेट, नशे में होना। इमोलेशन का मतलब होता है कुर्बानी देना, या है ना, कुर्बानी देना, जला लेना, पार्टिसिपेट, आप लोगों को पता ही है, राइट। तो जेस्टिकुलेट इज द राइट आंसर, जेस्टिकुलेट, यस। यस बच्चे, बिल्कुल सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच यार। जेस्टिकुलेट, यस, बिल्कुल सही है, यस। मतलब मैं आपको बता दूं कि 70 से 80% टीचर इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए लाइव नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को बताना कि व्हाट्सएप नंबर ये है, टेलीग्राम ये है, ये भी मेरा आधा समय निकल जाता है। यहाँ ऐड होइए, वहां ऐड होइए, बच्चे व्हाट्सएप किसी और नंबर से कर रहे हैं, टेलीग्राम कुछ और चला रहे हैं, सबको जोड़ना, सबको मैसेज करना, राइट, सारी चीजों को मैनेज करना, किसी को पीडीएफ गया है, किसी को नहीं गया, उसी में कंप्लेन भी सुनना, उसी में एक दो बच्चे उल्टा ही सही बोले देना, सब कुछ मैनेज करने के बाद मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, राइट, और आपसे बातचीत करना। यहाँ भी आप लोग फिर थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करें यार, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो जेस्टिकुलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जेस्टिकुलेट, ओके, बिल्कुल। चलिए अगला देखें। मैं देख पा रहा हूँ सभी आंसर दें बेटा फटाफट, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान देना बेटा। कुछ एक बच्चा पूछ रहा है इमोलेशन बता दो। इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान देना, कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना, इमोलेशन, यस। चलिए गाइस क्वेश्चन देखें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कीट्स एंडिमियॉन इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है, जल्दी जल्दी आंसर दें। कीट्स एंडिमियॉन इज डेडिकेटेड टू, फटाफट आंसर दें। और एक तरह से देखा जाए जॉन कीट्स को, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, यस यस, जल्दी आंसर दें पहले क्या होगा इसका। थैंक यू थैंक यू। कीट्स एंडिमियॉन इज डेडिकेटेड टू ले हंट, मिल्टन शेक्सपियर या थॉमस एडल्टन, जल्दी बताइए। बिल्कुल डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन एक कीट्स का जो आधार तैयार किया था वो ले हंट ने तैयार किया था, उनकी बड़ी हेल्प की थी बेसिक्स को क्लियर करने में, क्विट बनाने में ले हंट ने बड़ी हेल्प की थी उनकी, राइट। ले हंट, जब मैं इनका पेड बैच में आपको जब लेक्चर दूंगा पूरा डिटेल से पढ़ा के, तो उसमें ये चीज मैं बताऊंगा, राइट। ले हंट का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका एक वर्क रहा है ओ सॉलिट्यूड, क्या रहा है, ओ सॉलिट्यूड, देख है, ले हंट पब्लिश कीट सॉनेट, कीट की एक सॉनेट रही है ओ सॉलिट्यूड को, ले हंट ने पब्लिश कराया था मैगजीन द एग्जामिनर में, इट वॉज हिज फर्स्ट प्रिंटेड, राइट, याद रखिएगा, ओ सॉलिट्यूड को ले हंट ने ही पब्लिश कराया था अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में बेटा। तो ये सब मैं आगे बताऊंगा, तो खैर अभी तो आंसर है थॉमस चैटर्टन, ठीक है। जॉन विल्सन क्रॉकर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जॉन विल्सन क्रॉकर रोट अ हार्श रिव्यू इन द अप्रैल 1818 एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ क्रिटिसाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं किसको क्रिटिसाइज किया था, क्वार्टरली में रिव्यू दिया था, बहुत खतरनाक क्रिटिसाइज किया था, बताएं। बिल्कुल कीट्स एंडिमियॉन, शैलेज, हॉल, मिल्टन, पैराडाइज लॉस या कीट्स ओट्स, किसको क्रिटिसाइज किया गया है। यस यस यस, सब पढ़ाया जाएगा बेटा, बिल्कुल। चलिए फटाफट बताएं, बिल्कुल सही है, कीट्स एंडिमियॉन इज द राइट आंसर, कीट के एंडिमियॉन को क्रिटिसाइज किया गया था। जॉन विल्सन क्रॉकर ने लिखा था एक हार्श रिव्यू इन द अप्रैल 1818 एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ क्रिटिसाइज में, राइट। तो कीट्स का एंडिमियॉन ही वर्क था, इसी को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया था, बिल्कुल क्वार्टरली रिव्यू में। और जॉन विल्सन क्रॉकर के अलावा भी जॉन
गिब्सन लॉकहार्ट ऑल्सो क्रिटिसाइज इन द ब्लैक वुडन मैगजीन, किसमें? ब्लैक वुड्स मैगजीन में भी क्रिटिसाइज किया था, किसने? गिब्सन लॉकहार्ट ने। तो जॉन विल्सन ने भी क्रिटिसाइज किया, गिब्सन ने भी क्रिटिसाइज किया, लॉकहार्ट ने भी क्रिटिसाइज किया, गिब्सन लॉकहार्ट ने भी इनको क्रिटिसाइज किया था गाइस, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो दो नेम तो आप लोग याद रखिएगा, एक गिब्सन लॉकहार्ट और एक जॉन विल्सन क्रॉकर, ठीक है? इन्होंने बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया था, बाकी मैं डिटेल से बताऊंगा ये चीज। थैंक यू थैंक यू। सपना शुक्ला से केवल बेटा पीजीटी के ऑथर्स पे फोकस करिए, इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क तैयार कर लीजिए, ग्रामर तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाइए बेटा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर सिलेबस आपको ना पता हो तो एक पीजीटी या टीजीटी के स्टूडेंट से पूछा जाए कौन कौन से ऑथर इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो जो जो आपके मन में नाम आएंगे वो सारे एग्जाम में आएंगे। शेक्सपियर का ले लो, वर्ड्सवर्थ का ले लो, मिल्टन का ले लो, कीट्स का ले लो, अर्नोल्ड का ले लो, मुल्क राज आनंद का ले लीजिए, जो राइटर आपके मन में पहले आते हैं वही आएंगे, और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? ऐसे थोड़े ना ऑथर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पॉपुलर नहीं है बिल्कुल, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल। तो कीट्स एंडिमियॉन को क्रिटिसाइज किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ हिज वर्क कीट्स रेफर टू एज आर ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, किस वर्क को कहा गया, किस वर्क को कीट्स ने कहा अपने, किस वर्क को कीट्स ने कहा आ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन? फटाफट बताइए, मैं देख पा रहा हूं। कीट्स ने किस वर्क को कहा माई पावर ऑफ इमेजिनेशन? एंडिमियॉन को, ओड टू, रिक को, ब्राइट स्टार को, या लैमिया को? जल्दी जल्दी आंसर दें। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, चिंता ना करिए, पढ़ते रहिए बस। ये जो प्रैक्टिस मैं रात में कराता हूँ ना, इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका एग्जाम और आसानी से क्लियर होगा। तो जो मेहनत चल रही है आप ही लोग के लिए चल रही है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। कीट्स कॉल्ड एंडिमियॉन अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, एंडिमियॉन को, यस ए विल बी द राइट आंसर, इसी को कहा था पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप बताइए, अम्यूजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बताइए, मनोरंजन आनंद, फटाफट बताएं जल्दी जल्दी, अम्यूजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बताएं गाइस जल्दी जल्दी, थोड़ा तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके नेहा, बहुत से बच्चों का बी आंसर आ रहा है, बहुत से बच्चों का डी आ रहा है, बहुत से बच्चों का डी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, अम्यूजमेंट इज द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जितने बच्चों का आंसर आ रहा है अम्यूजमेंट, आनंद मनोरंजन, बिल्कुल सही है, राइट। डबल एम नहीं आता है, दोनों ही काट दो, ठीक है? यस फटाफट जुड़ते जाए, थैंक यू थैंक यू। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर उनको लेक्चर नहीं मिला है, उनको शेयर नहीं किया गया है, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ बच्चों के धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी शेयर करिए वरना ठीक नहीं होगा आपके लिए, बताइए। ओके यस यस यस, और सभी लोग बच्चे एक बार लाइक कर लें, अम्यूजमेंट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नैश योर टीथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जाम में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताइए, पहले बताएं बच्चों, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नैश योर टीथ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें, नैश योर टीथ। अम्यूजमेंट मतलब अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जाते हैं कि नहीं? अम्यूज मतलब आनंद लेना, मनोरंजन से रिलेटेड है। सुरेश, नैश योर टीथ का मतलब होता है दांत पीसना, मतलब दांत पीसना यानी गुस्सा दिखाना, एक्सप्रेस रेज इज द राइट आंसर, जितने बच्चों का ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस रेज, बिल्कुल टाइम, ब्रश योर टीथ तो ऐसे ही कट जाएगा,
टे का बिग बाइट बिगड़ जाएगा, और हेस्टिकली हंसना, बहुत तेजी से हंसना, ये बिगड़ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर, एक्सप्रेस रेज, गुस्सा दिखाना। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन फिंगर, जल्दी आंसर दें, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन फिंगर गाइस, फटाफट आंसर दें। बड़ा ही अच्छा एडियम है, मतलब अंगुलियों से या हाथों से कुछ निकल जाना, हाथ से कुछ फिसल जाना, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन फिंगर, किसी के हाथ से कुछ छूट जाना, निकल जाना, राइट? तो क्या हो जाएगा, लूज अ वेडिंग रिंग, अरे वेडिंग रिंग का वो मतलब ही नहीं, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ ना पाना, तो हाथ में आना ही नहीं है तो निकल के जाना, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे हाथ में वो आया ही नहीं तो निकलेगा क्या। लेट गो ऑफ सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग, अच्छा अनप्लीजेंट थिंग को अवॉइड करना, ये कोई बात नहीं हुई। जितने बच्चों का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, राइट? मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपको कुछ मिल सकता था वो निकल जाना। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया और आपको उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम निकलवाना था और आप उससे बोल ही नहीं पाए बात, वो एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो अमेरिका जा रहा है, तो टू ले हो जाएगा, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन फिंगर, कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाना। आपको फॉर्म भरना था, लास्ट डेट तक आप इंतजार करते रहे, आलस करते रहे और आखिरी डेट भी निकल गई, ये भी अपॉर्चुनिटी निकल गई आपको सर मेरे हाथ से, तो टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ओके ठीक है, अगला देखते हैं, कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दें, फटाफट बताइए क्या कह रहा है। कंप्लीट विथ रिगार्ड टू एवरी डिटेल मतलब संपूर्ण को क्या बोलते हैं, पूरी जानकारी को संपूर्ण को क्या बोलते हैं। यस देखिए, लैकड एस्कल तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है निरुत्साह टाइप का, लैक लगा हुआ है, लैक का मतलब ऐसे ही कमी होता है, एएल मतलब वाला जिसमें कमी होती है, जिसमें उत्साह नहीं होता है, लैक्स भी नहीं होगा, लैक्स का मतलब होता है लापरवाह टाइप का, ठीक है, कर्सरी भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है सरसरी तौर पर देखना किसी चीज को, या थॉरो हो जाएगा बेटा, थॉरो इज द राइट आंसर। एक थ्रू होता है बेटा, वो अलग चीज है, थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना, THR वाला अलग वर्ड होता है, लेकिन ये थॉरो इसका मतलब होता है संपूर्ण पूरी तरह से। यस यस, जितने बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, थैंक यू गाइस। ठीक है बेटा, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, यस थॉरो, कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल मतलब संपूर्ण जानकारी को। यस अगला देखें, द फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल मतलब अपनी इच्छा शक्ति को जो प्रयोग में लाता है, राइट? जो अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने में जो गुण होता है, जो अपने अंदर की इच्छा को जो इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दें, जिसमें ये पावर होती है अपनी इच्छा शक्ति को यूज करने का, इंसान के अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है क्या कहते हैं, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, जल्दी बताएं। एहसान बेटा ऑनलाइन 8:30 बजे होती है, अभी नहीं चल रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है बच्चे, जल्दी दिया आंसर दें, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, ए, बहुत से बच्चे ए बता रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका पहले मैं आंसर ही बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा वोल्यूशन, वोल्यूशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं विल पावर, इसको बेटा आप लोग विल पावर भी बोल सकते हैं, इसको विल पावर बोल सकते हैं, इसको आप डिजायर बोल सकते हैं अंदर की इच्छा, इसको आप इंटेंट बोल सकते हैं गाइस, विल पावर डिजायर या इंटेंट भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा वोल्यूशन वर्ड है, वायलेशन मत समझ लीजिएगा, वायलेशन ये होता है, वायलेशन का मतलब होता है अतिक्रमण करना, उसकी स्पेलिंग में VI आता है, ये VOLI है बेटा, तो वॉल्यूशन है इसका मतलब होता है विल पावर डिजायर अंदर की इच्छा शक्ति, और ये वॉल्यूशन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। रिजेक्शन आपको पता ही है, अवर्सन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट्रेड की भावना, हेट्रेड या घृणा करना, एवर्सन, राइट? एंटागोनिज्म का मतलब होता है मनमुटाव या रिफ्ट, आप बोल सकते हो मनमुटाव होना या रिफ्ट बोल सकते हो एंटागोनिज्म, ठीक है?
तो आंसर विल बी डी, वॉल्यूशन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और कई बार एग्जामिनर इसको एरर के रूप में दे सकता है, वायलेशन लिख देगा। तो बच्चों याद रखिएगा, वायलेशन की स्पेलिंग वी आई होती है और वॉल्यूशन की स्पेलिंग वी ओ एल आई होती है। ठीक है बेटा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके, सभी लोग शेयर जरूर करें एक दूसरे को। ओके चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मैगजीन डिड लैम्स एसे फर्स्ट टाइम अपियर्ड, इन विच मैगजीन डिड लैम्स एसे फर्स्ट टाइम अपियर्ड, जल्दी दिया आंसर दें, किस मैगजीन में अपियर हुए? ब्लैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू या एरियल? फटाफट आंसर दें। एक मिनट बच्चों, मैं एक मिनट बस आ गया, थोड़ा सा आप लोग आंसर दें, इसका टेक्निकल इशू है। चलिए गाइस, आई एम बैक, ओके ओके, आई एम बैक, यस, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, थैंक यू। गोरखपुर की शहजादी, ओ जल्दी जल्दी आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बी बी बी, मैगनीन उदाली। चलिए चलिए, अब हम बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है गाइस, ऑलरेडी आया हुआ है, पीजीटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर विल बी बी, लंदन मैगजीन, यस। लैम्स एसेज फर्स्ट टाइम अपियर्ड इन लंदन मैगजीन इन 1820। एसेज ऑफ एलिया, याद रखिएगा, एसेज ऑफ एलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय चार्ल्स लैम, राइट? ये जब चार्ल्स लैम पढ़ाएंगे आप लोग को तो उसमें बताएंगे, लंदन मैगजीन, यस। इनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट एसेज रहे हैं, द साउथ सी हाउस, न्यू ईयर्स ईव एंड चैप्टर ऑफ ईयर, द माई फर्स्ट प्ले, माई रिलेशन, राइट? याद रखिएगा। अगला देखें, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ में ही मैंने पढ़ाया था ये ऑलरेडी। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज, यस यस यस। देखिए बेटा, प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार सही होगा, बट पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, परसिवरेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, जेस्ट एंड जील के साथ आप लोग लगे रहिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा, राइट? ये मत मानिए गलत होता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जितने बच्चों का आंसर आ रहा है ए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वन ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टू बुक्स, द अदर बुक्स एन इवनिंग वॉक। जब ये नाम ले तो आप एक और वर्ग याद रखें, द एन इवनिंग वॉक, राइट? बोथ वर पब्लिश्ड इन जनवरी 1793 पब्लिश हुए थे, किसके द्वारा पब्लिश हुए थे? बाय जोसेफ जॉनसन, जॉनसन द्वारा पब्लिश हुए थे, बिल्कुल सही है। तो ए विल बी द राइट आंसर, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बिल्कुल। अगला देखें, देयर इज नो रेनफॉल इन आर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ, वेयर इज द राइट आंसर? इज को आपको रिप्लेसमेंट करना है इज का, अगर इज सही लग रहा है तो नो इंप्रूवमेंट आएगा, अगर आपको लग रहा है कोई ऑप्शन सही लग रहा है तो आप बताएं।
यस 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 बेटा, बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी सी, मतलब सारे बच्चे कुछ ना कुछ आंसर दे रहे हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, कई बार टेंस में हमने बताया है, देयर इज नो रेनफॉल इन आर विलेज, फॉर लगा हुआ है। मैंने बोला था जब फॉर या सिंस का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, तो सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का गाइज मतलब होता है ड्यूरेशन के लिए, किसके लिए, अवधि या ड्यूरेशन के लिए आता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर और सिंस जैसे ही है, ये कह रहा है कि देयर इज नो रेनफॉल इन आर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीने पहले भी नहीं हुई थी, 6 महीने से अभी तक नहीं हुई है, यानी ना होने या होने का जो प्रोसेस है वो पास्ट से प्रेजेंट तक का है। लगा तो आप यहां हैड बीन भी सकते थे, आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए, हैज बीन। अच्छा आप ये बताइए हैड बीन क्यों नहीं होगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप हमको ये बताइए हैड बीन क्यों नहीं होगा, हैड बीन क्यों नहीं होगा, जल्दी जल्दी, वॉस तो कट ही जाएगा, हैड बीन क्यों नहीं होगा, माय क्वेश्चन इज हैड बीन क्यों नहीं होगा, बच्चे बताएं, हैड बीन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एग्जामिनर ने इज लगाया है, इससे ये पता चल रहा है कि एग्जामिनर का जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि पिछले 6 महीनों से हमारे गांव में रेनफॉल नहीं हुई है, तो नहीं हुई है तो अभी भी नहीं हुई है, इज ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट में ही जो आएगा वो आएगा। तो ग्रामर बदलिए, सेंटेंस की टोन नहीं बदलनी चाहिए, अगर तुम हैड लगा दोगे तो इसका मतलब है नहीं हुई थी, तुम सेंटेंस को पास्ट में बना रहे हो, और जो भैया क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो कहता है अपने रूल्स चेंज करो, मीनिंग ना सेंटेंस की चेंज हो जाए। अब सेंटेंस में दिल्ली लिखा है, तुम क्या कहोगे, यहाँ आगरा लिख देंगे, यहाँ दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ आगरा लिखो, राम लिखा है तो नहीं, मेरा दोस्त अजय, अजय लिखो यार, ऐसा थोड़े ना, अजय लिखा है तो अजय ही लिखा रहेगा, राम लिखा है तो राम ही लिखा रहेगा, मीनिंग नहीं चेंज होगी गाइस, इसीलिए आंसर आएगा ए, हैड बीन भी सही हो सकता था अगर यहाँ वॉज होता, बिल्कुल सही है, लॉजिक समझिए। नहीं, शक्ति सिंह वो जो लास्ट लगा है फॉर के बाद लगा है, फॉर द लास्ट 6 मंथ, केवल लास्ट नहीं है, लास्ट और फॉर द लास्ट 6 महीनों की बात हो रही है, केवल अगर लास्ट मंथ लगा होता तो एक बार हम सोचते जो आप कहना चाह रही हैं, राइट, लेकिन यहां 6 महीनों की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इज दैट क्लियर, यस 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 हैज बीन। चलिए आगे बढ़िए, शैलेज एडोनिस पढ़ाएंगे ये भी, ये ट्रेजेडी है, एन एपिक पोयम, पेस्टोरल एलिजी है, या पोयम इन ब्लैंक वर्स है, क्या है ये, जल्दी जल्दी आंसर दें, फटाफट आंसर दें गाइस, शैलेज एडोनिस, और देखते ही आंसर निकल आया होगा मेरा यकीन है, और मेरे यकीन को आप लोगों ने बनाए रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, आप यस, तो क्या है, बिल्कुल सही है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, पेस्टोरल एलर्जी, यस सी इज द राइट आंसर, फॉर जॉन कीट्स, किसके लिए है, फॉर जॉन कीट्स के लिए है, इन 1821 कंपोज इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ, तुरंत उनकी डेथ के बाद इसको कंपोज किया गया, इट कंटेन्स 495 लाइन्स आई थिंक, इन 55 स्पेंसेरियन स्टैंजास, राइट, याद रखिएगा 495 लाइंस में, पेस्टोरल एलिजी है, बिल्कुल सही है। चलिए, नजीम इज़िकल रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड इन द ईयर गाइस, यस यस किड्स की डेथ पे, बिल्कुल सही है, सैले ये जो है, सैले की एक पेस्टोरल एलेजी है फॉर जॉन कीट्स डेथ। अगला देखें, फटाफट आंसर दें, निजी मेडिकल रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा गाइस, जल्दी जल्दी रिप्लाई दें, मैं देख पा रहा हूं सभी के कमेंट्स, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, बेटा ए आंसर होगा, 1983, 1983 में साहित्य एकेडमी अवार्ड, और 1988 में याद रखिएगा पद्म,
एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा ये मार्कर सही नहीं चल रहा है। पद्मश्री, ठीक है, 1988 में क्या हो जाएगा? पद्मश्री 1988 में, 1983 में साहित्य एकेडमी अवार्ड। यस, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, यस यस यस। अगला देखते हैं, द चाइल्ड कंप्लेंट दैट ही वॉज डिनाइड हिज फादर्स लव ड्यू टू हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, नाउन है इंटरवेंशन यहां। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, आई एम वेटिंग गाइस। और आप लोग गाइस शेयर जरूर करें, सभी बच्चे शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं आप ये वीडियो। द चाइल्ड कंप्लेंट दैट ही वॉज डिनाइड हिज फादर्स लव बिकॉज ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, सबका एक ही मतलब होता है, के कारण से, की वजह से, हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। यस यस, चलिए आंसर दें इसमें क्या होगा, किस पार्ट में एरर है? ये ए पार्ट है, ये गाइस बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, और नो एरर डी पार्ट। बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, ही वॉज डिनाइड। यस यस यस, लेकिन भाई साहब आप लोगों ने वो गलती की है, वो गलती की है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो ईश्वर से यही मना रहा हूं आप सबका सिलेक्शन हो। देखिए, कंप्लेंट नहीं होगा यहां, कंप्लेंट की जगह हो जाएगा कंप्लेंड। क्या हो जाएगा? कंप्लेंड हो जाएगा। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट जो वर्ड है बेटा, ये याद रखिएगा, ये एक नाउन होता है। क्या है? ये एक नाउन है, और याद रखना बच्चे, जो कंप्लेंड वर्ड है ये एक वर्ब होता है, हमें वर्ब की जरूरत। द चाइल्ड कंप्लेंड, चाइल्ड ने कंप्लेन की थी दैट ही वॉज, उसको डिनाई किया गया था उसके पिता के लव से बिकॉज ऑफ हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। राइट, ये चीज आप याद रखिएगा, कंप्लेंड होगा बेटा, कंप्लेंट तो नाउन होता है। राइट, अब देखिए जरा, मैं दो सेंटेंस आपको लिख के दिखाऊंगा और दोनों में आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था। बहुत जल्दबाजी में आंसर मत लगाया करिए बेटा, इसीलिए छोटी छोटी चीजें ग्रामर में। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम बैक बेटा, आई एम बैक। ठीक है, वी हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट अबाउट यू। अब देखिए यहां कंप्लेंट्स क्या है, यहां पर कंप्लेंट्स क्या है, ये नाउन है। ठीक है, क्या है? ये नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेंटेंस गाइज मैं ऐसे लिख दूं, शी ऑफन कंप्लेन्स अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू, अक्सर कंप्लेन करती है तुम्हारे विरुद्ध, तो ये कंप्लेन्स क्या है? वर्ब है। ही ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट यू बैड मैनर्स, अबाउट योर बैड मैनर्स। ही ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट योर बैड मैनर्स भी हो सकता है, तो कंप्लेन्स नाउन है और कंप्लेन्स वर्ब है। इज दैट क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। देखिए आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कब जेंडर डिसाइड होता है, कब जेंडर नहीं डिसाइड होता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहां पर सेंटेंस बनाने वाले ने बता दिया है कि वो जो चाइल्ड है वो बच्चा है, उसने क्लियर बता दिया है, ही इंडिकेट करके। इट इसलिए आता है जब ना ही डिसाइड हो, डिसाइड है करना ही ना हो। जैसे मैंने कहा ये चाइल्ड बड़ा क्यूट है, अब यहां पे ये नहीं बताना, मैं उसके चाइल्ड के व्यक्तित्व के बारे में बताना नहीं चाह रहा हूं, उसकी लाइफ के बताने में, उसके लाइफ के बारे में बताना नहीं चाह रहा हूं। इस सेंटेंस में उसकी एक स्टोरी बताई गई है कि उसने कंप्लेन की थी कि उस ही वॉज डिनाइड, उसे डिनाइड किया गया था उसके पिता के लव से ड्यू टू हिज, तीनों जगह हिज आया है, देखिए यहां भी हिज आया है, यहां भी हिज आया है, और ये ही आया है। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, हम और तुम नहीं डिसाइड कर सकते हैं।
ये बात तय है कि चाइल्ड के लेट आता है, लेकिन आता है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस भी बनाने ही पे आ जाए कि उस चाइल्ड को, कई बार स्कूल में आपने देखा है लड़का खड़ा होता है और टीचर कहता है कितना प्यारा बच्चा है, कहता है यू आर ए गुड चाइल्ड, डोंट क्राई, चाइल्ड कहता है लड़के को, तो लड़का ये तो नहीं कहता है मैं तो बॉय हूं, मुझे ही बोलो, मुझे यू बोलो, मुझे कुछ भी बोलो। तो कई बार सेंटेंस पर डिपेंड करता है कब हम उसके जेंडर को शो करना चाह रहे हैं, तो इस पे दिमाग मत लगाओ इट आएगा कि नहीं आएगा, ही आ गया तो मतलब यहां बॉय की बात हुई है, कहानी खत्म। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, कंप्लेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा, वर्ब की जरूरत थी। अगला देखें, टू लूज वेट कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये ए पार्ट है गाइज, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। जल्दी जल्दी आंसर दें। फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दें, बताइए। जब 19-20 क्वेश्चन में ये हाल है आप लोगों का कि आप लोग रुक नहीं पाते हैं, अगर मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा तो क्या हाल होगा। चलिए खैर, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, कई बहुत से बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, नेट वगैरह की, नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है। भैया डिनाइड के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन मैंने कहा था पैसिव वॉइस, जब एक्टिव पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, और वैसे भी यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आई है, ये हिज जो है एडजेक्टिव है बेटा। टू लूज वेट कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, बहुत से बच्चे बता रहे हैं ए, बहुत से बच्चे बी, तो आंसर होगा ए, बिल्कुल। LOOSE लिखा हुआ है यहाँ पे, LOOSE नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम लोग लूज, ज़ा बोलेंगे, इसका मतलब होता है टू रिलीज समथिंग, ढीला, शर्ट को लूज करना, ढीला करना, राइट। और होना क्या चाहिए था, लूज नहीं होगा बेटा, होना चाहिए था LOOSE, इसको बोलते हैं जा, लूज, जा प्रोनंसिएशन में जा आता है, इसमें सा आता है, इसका मतलब होता है ढीला करना, और इस लूज का मतलब होता है खोना, घटाना, इसका मतलब होता है खोना बेटा, और एक होता है लॉस, इसका मतलब होता है हानि, ये याद रखिएगा तीनों। तो यहाँ पे इसकी जरूरत है क्योंकि यहाँ कम करने की बात हो रही है, खोने की, वेट को कम करने की बात हो रही है, ढीला करने की नहीं बात हो रही है। तो हो जाएगा टू लूज वेट कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके बच्चों, बिल्कुल डोज मिला मिलेगा, बिल्कुल, तो ये लूज हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूं, लूज जा है ये जा है और ये लॉस है, ठीक है, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो ए पार्ट में रहना है। चले थैंक यू, जिसको भी पेड कोर्स जूनियर एडेड का ज्वाइन करना हो 9613947257 पर व्हाट्सएप लिखकर भेज दे जूनियर एडेड एंट्री। लाइव में कई बार होता है कि ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार ढंग से कुछ और निकल जाता है, लेकिन रिकॉर्डेड में ये आराम रहती है, आराम से टीचर पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लाइव ही पढ़ाऊंगा क्योंकि लाइव मुझे लगता है मैं ज्यादा समझा पाता हूँ, जब रिकॉर्ड करूंगा आप लोग सामने नहीं रहोगे तो जल्दी से अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा, ये भी एक लॉस है। चलिए, और जिन बच्चों को द्रोणा बैच ज्वाइन करना है, जिन बच्चों को द्रोणा बैच ज्वाइन करना है, TGT PGT 1 से 1.5 साल का बैच है, मतलब अगला जब भी एग्जाम, जब तक अगला एग्जाम नहीं आएगा गाइस तब तक आपको एक क्लास कराई जाएगी इसमें, राइट, ये है नीचे नंबर पर द्रोणा बैच एंट्री लिख कर भेज दें, ऐड कर लिया जाए। कैसी लगी गाइस क्लास आप लोग जरूर बताइएगा, जिन लोगों ने डिसलाइक किया है, 2-3 लोगों ने, उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर कहीं से आप लोग हर्ट हुए किसी वजह से भी, वजह अपनी जरूर बताइए, बाकी डिसलाइक लाइक तो अगर आप कृष्ण भगवान का भजन कर बजा देंगे उसमें भी हो जाएगा, ठीक है, उसका इशू नहीं है, लेकिन आप अपना प्रॉब्लम जरूर बताएं। चलिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा, टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ।